हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो चैप्टर है उसके एसएफटी बीएमडी के सम्स स्टार्ट कराने वाला हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम के सम्स कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ हर एक चीज़ ध्यान से सुनना, हर एक शब्द मेरे ध्यान से समझना सुनना और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत 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 ईजी है। बट देखोगे तो हार्ड लगेगा, बट समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, है ना। बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत इजी सम है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट आप एक काम आप करिए कि वीडियो को एंड तक देखिए और हर चीज़ शांति से समझने की कोशिश करिए, और मेरे करने के बाद एक बार खुद आप प्रैक्टिस करने बैठना। प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, मैं आप पहले से कहते आ रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो चलो इस सम को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर इस पीडीएफ को सामने देख रहे हैं, इतने सारे सम्स देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम के लिए और एग्जाम में पूछे गए सम्स है, ठीक है। टॉपिक वाइज जो मैंने आपके लिए बनाया है विंटर 2020 के एग्जाम के लिए, ठीक है, थर्ड सेम डिप्लोमा स्टूडेंट्स मैकेनिकल जीटीयू वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए ये पीडीएफ प्रिपेयर किया। अगर आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए सम को स्टार्ट करते हैं फटाफट, किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो, आपको सबसे पहले तो आपकी सप्लीमेंट्री में क्या करना है, एक लेफ्ट साइड का डायग्राम के लिए छोड़ देना पेज, ठीक है। अगर ये आपके पास आपकी सप्लीमेंट्री है, अगर आपके पास इस तरह से सप्लीमेंट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मान लेता है सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम के लिए छोड़ देना। देखिए पूरा यहाँ पे ऐसा डायग्राम आएगा, है ना, ये डायग्राम आएगा, और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस है सारे कैलकुलेशंस ये वाले पेज पे करते रहना, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी रह जाएगा ये, है ना, बहुत ईजी होगा, मैं मानो मेरी बात को ये, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस सम को, है ना। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, एक साइड पे मेरा डायग्राम रहेगा और दूसरे साइड पे मेरा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम बना लेता हूँ मैं, जैसे 2 है तो 2 और फिर 6, ठीक है, 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलो मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ ये, ठीक है। सो दिस इज़, यहाँ 2 मीटर पे समथिंग एक लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन का, ओके, और यहाँ पे भी एक 40 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड पॉइंट लोड बोला जाता है ना, ऐसा ये जो लोड है ना 40 किलो न्यूटन उसको पॉइंट लोड बोला जाता है, और ये बीच में दिख रहा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोला जाता है, जिसको बोलते हैं यूडीएल, और यूडीएल का जो डायमेंशन देने का मेथड है वो है पर मीटर कितना किलो न्यूटन लोड लग रहा है, यानी हर मीटर पे 20 किलो न्यूटन। अगर यानी 1 मीटर जाते हो तो 20, 2 मीटर जाते हो तो 40, 3 मीटर जाते हो तो 60, ठीक है। इस तरह से 6 मीटर जाओगे तो कितना लगेगा, ये चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब इतने सारे ये बीम है उस पे लोड लगेगा तो उस बीम पे रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सपोर्ट रिएक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन बना देते हैं, रिएक्शन दिस इज़ ए पॉइंट का रिएक्शन है, ए पॉइंट का रिएक्शन, क्योंकि इसको मैंने पॉइंट नंबर ए बोला है। देखिए क्वेश्चन में भी ए बोला है, और इसी तरह इस पॉइंट को मैंने बी बोला है, क्वेश्चन में दिया है बी, और मैं भी बी ही बोलता अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो दिस इज़ रिएक्शन बी। और दूसरे जो पॉइंट से एक ये पॉइंट काम का है जिसको सी बोला है, और एक ये पॉइंट काम का है जिसको डी बोला है, और बाकी के सारे डायमेंशन है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे कि दिस इज़ 2 मीटर, दिस इज़ 6 मीटर, और ये वापस 2 मीटर है, ठीक है। और कुछ बाकी रह गया है तो देखिए आप, कुछ भी बाकी रहना नहीं चाहिए। अब आपका काम क्या है, एक रेफरेंस लाइन बनाना है ना, एक पतली सी रेफरेंस लाइन बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आप क्या करिए, ऐसे वर्टिकल लाइन बना, देखिए ये जो सी पॉइंट की वर्टिकल लाइन, ठीक है, और एक ये यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये पूरे पेज आपको इसी काम के लिए यूज़ करना है, ठीक है। 3 डायग्राम इस पेज पे दिखने चाहिए, लेफ्ट वाले पेज पे 3 डायग्राम दिखने चाहिए, ओके। सबसे पहला जो है, देखिए सबसे पहला सिंपल डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम, और दूसरा जो डायग्राम यहाँ पे हम बनाने वाले हैं वो रहेगा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दूर ये हम यहाँ पे बनाने वाले हैं शियर फोर्स डायग्राम,
नाम मैं लास्ट में लिख दूंगा, और यहाँ पे समथिंग, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे बना होगा अभी मैं डायग्राम। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम होगा ना, ये रिएक्शन को ढूंढना। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, रिएक्शन ढूंढना, यानी आर ए और आर बी की वैल्यू आपको पहले पता होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको या तो ये जो ए पॉइंट है वहाँ से मोमेंट लेनी पड़ेगी, या तो बी पॉइंट से मोमेंट लेनी पड़ेगी, है ना। सब कुछ ध्यान से सुनना प्लीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ वापस, मोमेंट लेना, मोमेंट निकालना आपको आना चाहिए। जो आप पहले से जो अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं सेकंड सेम में, उसमें आप सीख चुके हो, ठीक है, और नहीं सीखे तो कोई टेंशन ना ले, जितेश सर बैठे हैं, बट आज सीख लेना, ठीक है। अभी आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको अभी सीख लेना है मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो मैं देखिए ए पॉइंट से मोमेंट निकाल रहा हूँ। मोमेंट निकालना यानी क्या होता है, देखिए मोमेंट का मतलब क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो फोर्स बोल रहा हूँ, चलो फोर्स मल्टीप्लाई करना है, कौन सा डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, बट ध्यान से ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ना परपेंडिकुलर होना चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस ये मोमेंट का फॉर्मूला है। तो मोमेंट आपको इस तरह से निकालनी है, चलो मैं बताता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, ये आर ए ढूंढने के लिए मोमेंट निकालनी है। मोमेंट कहाँ से लेनी, ए पॉइंट से मोमेंट लेनी है, ए पॉइंट से। आप ए पॉइंट से लो तो भी चलेगा, बी पॉइंट से लो ना तो भी चलेगा, है ना। किसी को बी से निकालनी है तो बी से निकाल लेना, बट हाँ मेथड सही होनी चाहिए। चलो तो मैं पहले ए से मोमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो टेकिंग, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, टेकिंग मोमेंट अबाउट, अबाउट को एट द रेट भी लिखते हैं कोई, अच्छा दिखता है, ठीक है, अबाउट कैपिटल ए, ठीक है, ए से मोमेंट ले रहे। यानी आपको क्या करना है, देखिए आपका, आपको अपना ध्यान जो है वो ए पे रख देना है पूरा, आपको ए पे हाथ रख देना है, वहाँ ए पे हाथ रख देना आप यहाँ पे, ठीक है। जो भी अभी यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे ना, वो यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि सबसे पहले ये देखो, यहाँ जैसे आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे, सबसे पहला लोड कौन सा आ रहा है, 40 किलो न्यूटन का। तो 40 किलो न्यूटन, देखिए 40 किलो न्यूटन वो ए पॉइंट को, ए पॉइंट से अगर सेंटर रख के देख रहे हैं तो क्या कर रहा है, ऐसा घुमा रहा है। ए पॉइंट पे आप ऐसे उंगली रख देना, फिर 40 किलो न्यूटन पे चला देना, देखो ऐसे पेन रख देना 40 किलो न्यूटन पे, और देखना कि 40 किलो न्यूटन ए पॉइंट से क्या कर रहा है, ऐसा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो मैं क्या करूँगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूँगा, क्लॉकवाइज मोमेंट को, अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसको पॉजिटिव मोमेंट गिनेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नेगेटिव गिनेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है, क्लॉकवाइज, तो मैं क्या करूँगा, प्लस लिखूँगा, ठीक है, प्लस लिखूँगा, देखो यहाँ पे ये निकाल देता हूँ, है ना, प्लस लिख रहा हूँ, कौन सा, 40 किलो न्यूटन, ये देखिए ये फोर्स आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी 40 और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर का, देखिए 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो 40 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया 40 इंटू 2, ये 40 की हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये 20, ये UDL पे आ जाते हैं। अभी UDL देखो, UDL को आपको क्या करना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो UDL को मैं क्या कर रहा हूँ, ये UDL का सेंटर पॉइंट कहाँ पे, ये 6 मीटर का सेंटर 3 मीटर होगा, तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ समथिंग, यानी मैंने अभी क्या कर दिया, ये UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। UDL है उसको उठा दिया वहाँ से, हटा दिया, और उसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे करना है, आपको ये जो UDL दिया ना 20 इंटू 6 कर देना है, देखिए 20 और ये कितने डिस्टेंस पे, 6 मीटर पे, है ना, तो 20 इंटू 6 कितना होता है, 120। तो ये बन गया मेरा 120 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। अभी UDL नहीं रहा, UDL नहीं रहा, जस्ट कैलकुलेशन के लिए, मतलब ऐसा नहीं बोलो कि UDL निकाल दिया, मैंने निकाला नहीं है, कैलकुलेशन के लिए मैंने UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। अब चलो अब गिनो वहाँ पे, अभी सेम जैसे ए पॉइंट, ये सी पॉइंट से गिना था ना, कैसे सी पॉइंट ऐसे 40 किलो न्यूटन ऐसे सर्कुलर क्लॉकवाइज घुमा रहा था ए पॉइंट से, वैसे ही अभी 120 किलो न्यूटन, क्योंकि 20 ए वाले UDL को तो मैंने पॉइंट बना दिया ना, तो 120 को घुमाओ, देखो 120 कैसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज ए पॉइंट से, है ना, ये पॉइंट से घुमाना है, ये पॉइंट से देखोगे तो इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसको भी प्लस लेना पड़ेगा आपको। तो प्लस ले रहा हूँ मैं, 120 की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 120 से लेके, ये देखो 120 से लेके ये आर ए पॉइंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखिए
तो ये टू है, यहाँ तक का टू है और ये सिक्स का आधा थ्री, तो 5 मीटर होगा ना। तो चलो ये 5 मीटर डिस्टेंस आ गया है ना, क्या डिस्टेंस आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 120 इंटू 5, ठीक है। चलो देखो 40 किलो न्यूटन का काम हो गया, फिर ये यूटीएल का काम मैंने कर दिया, अब ये नेक्स्ट लोड ये रास्ते में आ रहा है 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन आप देखोगे तो 40 किलो न्यूटन कैसे घुमा रहा है, देखो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसको भी प्लस ही लिखेगा ना, प्लस लिखेंगे प्लस, तो प्लस कौन सा 40 किलो न्यूटन की बात कर रहा हूँ, कौन सा, ये डी पॉइंट वाला, और डी पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस देखे कितना है, 2 एंड 6, तो 8 मीटर है ना, तो 8 लिख दिया। चलो 40 किलो न्यूटन का हो गया, अभी रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे, देखो यहाँ ए से मैं निकला था सी पे, सी पे 40 का ले लिया, फिर सी से डी के बीच का यूडीएल है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके उसका काम भी खत्म हो गया, फिर डी पॉइंट पे 40 उसका काम भी खत्म कर दिया अभी। अब यहाँ पे डी पॉइंट से बी में बीच में कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट बी पॉइंट पे आ जाते, अब बी पॉइंट पे एक और लोड है दिखा रहे रहे आर बी, ये भी तो है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से, बहुत ध्यान से सुनना है ये वर्ड को, जिस पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स या उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जीरो हो जाता है, यानी उसका मोमेंट जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल बोले सर आपने आर बी गिना, आर ए क्यों नहीं गिना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए पॉइंट, ए आर ए कहाँ लग रहा है, ए पे लग रहा है, यानी बोला ना जिस पॉइंट से आप मोमेंट ले रहे हो अगर वो लोड उसी पॉइंट पे आ रहा है तो फिर मोमेंट जीरो हो जाती है, तो आर ए की मोमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है, इसीलिए आर ए मैंने नहीं गिना। फिर ए से निकला, फिर सी पॉइंट ये 40 का लिया मैंने, फिर मैंने ये 120 का ले लिया, फिर ये वाले 40 का ले लिया, अब मेरी बारी है ये बी पे लगने वाला आर बी की, ठीक है। तो अब आर बी देखो, आर बी कैसे घुमा रहा है ये देखिए, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, आर बी कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, ए पॉइंट को कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ए पॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस क्या करेंगे आर बी, अब आर बी की वैल्यू नहीं पता ना मुझे, बोले सर आर बी लिख रहे हो, अरे आर बी की वैल्यू नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करनी है, और आर बी से लेके ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये आर बी है, यहाँ पे आर बी लग रहा है और ये ए पॉइंट है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये टोटल कितना है आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना है, तो ये तो 2 + 6 + 2 यानी ये 10 हो गया ना, तो यहाँ आर बी इंटू 10, ये सारा समेशन, देखो मोमेंट लेना है ना तो हमें क्या करना है, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 ले लेना है, तो ये पूरा सारे मोमेंट का सम कर दिया मैंने, इक्वल टू क्या लिख लेंगे 0। अभी आप एक काम करिए, जो भी नेगेटिव वाली ना उसको आर एच एस शिफ्ट कर दीजिए, चलो ये 80 हो गया, फिर ये 600 हो गया, ये 320 हो गया, और ये आर बी और 10 है ना उसको माइनस से उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है, उस तरफ भेज देते हैं, यानी 10 आर बी हो गया, ठीक है 10 आर बी। अब इसको मैं प्लस कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 920, 1000 हो जाएगा ना, दिस इज 1000 इज इक्वल टू 10 आर बी, तो 1000 ये 10 जो डिवाइड में चला जाएगा देखो, तो यहाँ से मुझे आर बी मिल जाएगा, तो आर बी कितना आया हमारा 100 किलो न्यूटन, ठीक है 100 किलो न्यूटन, एक काम हो गया हमारा, तो ये जो आर बी हमने लिखा है ना यहाँ पे, वहाँ लिख देते हैं दिस इज 100 किलो न्यूटन। चलो अब काम हमारा बहुत इजी है, अभी जितने डाउनवर्ड फोर्स है उतने ही अपवर्ड फोर्स लगने चाहिए, सिंपल बात है, तो यहाँ पे एक और सिंपल कैलकुलेशन लगा दे है कि डाउनवर्ड फोर्स, जो भी डाउनवर्ड फोर्सेस है इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है, या तो वैसा वर्सा, पहले अपवर्ड लगा लीजिए फिर डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्सेस कौन से देखिए, पहला ये 40 किलो न्यूटन का डाउन में लग रहा है वो है, तो 40 लगा लेता हूँ प्लस, फिर ये 20 यूडीएल को मैंने अभी 120 लिया है ना, तो 120 लगा लेता हूँ प्लस, दूसरा 40 भी है ये भी डाउनवर्ड है, तो चलो ये डाउनवर्ड आ गए। अपवर्ड में क्या क्या, अपवर्ड में तो दो ही चीज़ है ना, एक रिएक्शंस लग रहे हैं आर ए और आर बी, ठीक है आर ए प्लस आर बी, तो ये कितना होगा, ये 200 हो गया, और आर ए प्लस आर बी, आर बी अभी अभी हमने ढूंढा कि 100 है, ठीक है सो 100 का आर बी हो गया, तो 200 माइनस 100 हो जाएगा, वो 100 एल एच एस में चला गया इसीलिए, तो यहाँ से 100 इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ए आ गया,
तो मेरा आर ए का आंसर क्या आया, 100 किलो न्यूटन। चलो तो ये भी हो गया मेरा, आर ए मिल गया, आर बी मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे एस एफ टी बी एम डी में कर दिया है, कौन सा काम, रिएक्शंस को निकालने का, ठीक है, हमने रिएक्शंस निकाल दिए। चलो अब जो हम जो काम करने वाले हैं वो है शियर फोर्स डायग्राम किस तरह से बनाना है, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए बहुत इजी है, मैं कैलकुलेशंस है ना, देखो अभी इतना मेरा ये जगह भर गई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। चलो ठीक है यार, अभी कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो अभी ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। अगर सामने होता ना तो कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होती। चलो तो यहाँ भी हेडिंग लगा लेते हैं हम, शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। अब शियर फोर्स कैलकुलेशन में आप क्या करने वाले हो, देखिए अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हो, अगर मतलब मेरी मेथड फॉलो कर रहे हो तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेने वाले हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव लगाएंगे, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। चलो तो अब हम मेरी मैं आपको सीधा बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरी मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अदरवाइज़ देखो बुक की मेथड फॉलो करोगे ना तो कन्फ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सारे पॉइंट्स लिख दिए मैंने, ए सी डी और बी। सबसे पहले देखो मैं जो मेथड यूज़ करने वाला वो लेफ़्ट और राइट वाली, लेफ़्ट राइट, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, तो वैसी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं शियर फोर्स एट एफ है ना, सबसे पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ शियर फोर्स, ये लिखना ज़रूरी नहीं है सब है ना, तो मैं बेटर है डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी एफ क्या लिखूँगा, एफ देखो ये ए पॉइंट का है ना, ये एफ ए, ए पॉइंट पे कितना शियर फोर्स आ रहा है, तो एफ ए, ठीक है एफ ए, तो एफ ए क्या होगा, जस्ट राइट सॉरी जस्ट लेफ्ट, ठीक है जस्ट लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको जीरो क्यों होगा, एक ब्लैंक लेके आया हूँ उसको मैं छुपाने के लिए लेके आया हूँ, देखिए कि छुपा देता हूँ मैं ये डायग्राम छुपा देता हूँ, डायग्राम छुपाने से क्या कन्फ्यूज़ नहीं होगा। देखो अभी मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको ए पॉइंट है, ए पॉइंट का जस्ट लेफ्ट यानी देखिए जस्ट लेफ्ट यानी ये लोड छुप गया आपका, जस्ट लेफ्ट जाओगे तो लोड छुप गया ना, तो कितना हो गया जीरो, यानी इस तरफ जीरो है, तो मैंने ये जस्ट लेफ्ट वाले जस्ट लेफ्ट क्या लिखा, जीरो। और अभी मैं दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ए, एफ ए जस्ट राइट, ठीक है जस्ट राइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जस्ट राइट पे जैसे आप जाते हो तो आप क्या करिए, इसको उठाइए, इसको जैसे ही जस्ट राइट करते हो तो आपको एक लोड दिखाई दे रहा है आर ए, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और आर ए कितना है, 100 है, देखो आप पीछे से देख लो 100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे ही जस्ट राइट आते हो तो आपको एक फोर्स मिल गया, लोड मिल गया आर ए ऊपर की तरफ, कितना 100 प्लस 100, तो यानी यहाँ पे मैं क्या आ जाऊँगा, प्लस 100 पे जाऊँगा, देखो तो प्लस 100 किलो न्यूटन, ओके प्लस, तो प्लस 100 किलो न्यूटन यानी मुझे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते जाना है साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 100 जा रहा हूँ यहाँ से इतना 100, ठीक है ये मैं लिख देता हूँ दिस इज 100 ऊपर की तरफ गया। चलो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं नेक्स्ट सी पॉइंट पे आ जाता हूँ, पर सी पॉइंट पे कहाँ आ रहा हूँ, जस्ट लेफ्ट आ रहा हूँ, देखो जस्ट लेफ्ट, तो जस्ट लेफ्ट तक देखो कितना शियर फोर्स है, उतना ही है ना जितना हमने, अभी कुछ फोर्स आया नहीं है, एक्स्ट्रा फोर्स दिख रहा है आपको, बस आ रहे दिखा वही ना, तो वहाँ तक हमारा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, देखिए सॉरी स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ तक आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जस्ट लेफ्ट तक, तो जस्ट लेफ्ट का आंसर क्या आएगा सी पॉइंट का, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थोड़ा जगह छोड़ के एफ सी और एफ सी, तो एफ सी मैं यहाँ पे अब लेफ्ट लिखूँगा, ये अब शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है एफ सी लेफ्ट और एफ सी राइट। लेफ्ट पे देखोगे तो लेफ्ट पे आपको उतना ही फोर्स दिखाई देगा ना जितना था, तो ये दिस इज प्लस 100 किलो न्यूटन ही होगा, ओके लेफ्ट पे। अब जैसे ही आप राइट पे आते हो, इसको आप देखिए जैसे इसके राइट पे आ जाते हो तो आपको ये 40 किलो न्यूटन नज़र आ रहा है जो डाउनवर्ड लग रहा है, समझ रहे हो, तो माइनस 40 हो जाएगा,
ठीक है, माइनस 40 हो जाएगा, यानी प्लस 100, तो आप प्लस 100 पे तो आप पहले से हो, उसमें से माइनस 40 हो जाएगा, यानी आपका कितना आंसर आया, 60 किलो न्यूटन। तो चलो, अब 100 पे थे ना आप लोग, आप 100 पे थे, दिस इज 100, जस्ट लेफ्ट पर 100 आंसर है, और 100 में आप माइनस 40 कर दीजिए, तो माइनस 40 कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप कितने पे हो, 60 पे हो, ये पॉइंट के कहाँ पे, 60 की हाइट पे है, कहाँ से, सी से, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब सी से हम नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आने वाला है, डी के, तो डी के लेफ्ट और राइट पे आ जाते हैं। चलो फटाफट देखो, इजी लगेगा, आप इसको समझिए इस टेक्निक को, एफ डी लेफ्ट और एफ डी राइट। अब आप देखोगे ना, ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये समझिए, जैसे जैसे आप यहाँ से आगे जा रहे हो, लोड बढ़ रहा है, देखिए यूडीएल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पूरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो कहाँ तक, डी के लेफ्ट तक देखोगे ना, जस्ट लेफ्ट है ना, जस्ट लेफ्ट यानी पूरा यूडीएल कवर हो गया, पूरा यूडीएल कवर हो गया जस्ट लेफ्ट के कौन से, डी पे। तो आप ध्यान से देखो, तो हम जस्ट लेफ्ट पे कितना था, यहाँ 60 पे थे ना हम लोग, प्लस 60 पे थे, तो 60 माइनस, पूरा यूडीएल कवर हो गया है जस्ट लेफ्ट में, देखिए आप लोग, ये पूरा यूडीएल कवर हो गया है, और यूडीएल का टोटल आंसर कितना है, ये 20 कहाँ तक, 6 तक पूरा कवर हो गया ना, जस्ट लेफ्ट पे 6 पूरा कवर हो गया, यानी 20 × 6 ये 120 हमने लिखा ही हुआ है पहले से, तो पूरा कवर हो गया है, तो हम 120 पूरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब यानी हम यहाँ पे हो गए -60 किलो न्यूटन पे हो गए, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ करूँगा, देखो -60 तक जाओगा, जैसे आप ऊपर गए ना, उसी तरह आप यहाँ से देखिए, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी शियर फोर्स यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, और सेंटर से आप धीरे धीरे बढ़ के बढ़ के बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाओगे। अब यहाँ पे आप कहाँ पे हो, -60 पे हो, ठीक है, -60 पे हो, कब, जस्ट लेफ्ट पे। अब आपका बारी है जस्ट राइट पे, तो जैसे ही आप इसके जस्ट राइट पहुँच जाते हो, देखो जस्ट राइट पर आपको ये 40 किलो न्यूटन नज़र आ रहा है, देखिए पीछे 40 किलो न्यूटन जस्ट राइट पे नज़र आ रहा है, तो यानी आपको अभी यहाँ से कितना जाना है, -40 पे जाना है, ठीक है, -40 पे जाना है, तो आप -60 पे हो ऑलरेडी, और -40 चले जाते हो, तो आप पहुँच जाते हो -100 किलो न्यूटन पे, समझ रहे हो। तो आप यहाँ से चले जाइए, -60 है, और -40 और चले जाइए, ठीक है, तो आप पहुंच जाओगे -100 किलो न्यूटन पे, ओके, ये हो गया -100। अब आपको बी के लेफ्ट राइट पे पहुंचना है, तो चलो मैं पहुंच जाता हूँ बी, बी का लेफ्ट और बी का राइट, और बी के लेफ्ट पे तो आप ध्यान से देखो, तो कोई लोड है ही नहीं ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ तक बी के लेफ्ट तक जाओगे, तो बीच में कुछ आया ही नहीं रास्ते में, तो बीच में कोई रास्ते में आया ही नहीं है, तो -100 किलो न्यूटन कितना रहेगा, -100 किलो न्यूटन ही रहेगा ना, जब तक लोड ना है तब तक आपको वो लाइन प्लस या माइनस करनी नहीं है। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ये यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक भी -100 ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट तक तो कुछ आया नहीं। अब राइट तक जाते हैं, देखिए राइट तक क्या होगा, यहाँ पे अब जैसे ही मैं इसको बी के जस्ट राइट पे पहुंच जाता हूँ, जस्ट राइट पे, देखो मैं अभी हटा देता हूँ, देखिए तो आपको 100 किलोमीटर पूरा दिखाई देगा जस्ट राइट पे, समझ रहे हो। तो बस ये मेरा इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो जैसे जस्ट राइट पे पहुंचा, आपको 100 किलोमीटर नज़र आएगा, तो 100 किलोमीटर कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये -100 था ऊपर वाला, और +100 करेंगे, तो +100 करने से यहाँ पे क्या आ गया, 0 किलो न्यूटन आ गया, समझ रहे हो। तो ये चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए, मैं +100 पे जाऊँगा, +100 पे जाऊँगा, जैसे +100 पे जाऊँगा, ये मैं पहुँच गया 0 पे, ठीक है। तो देखो जीरो से स्टार्ट किया था और 0 तक पहुंच गया, कैसे कंप्लीट हो गया, देखा। तो यहाँ पे SFT में ये प्लस पे मिल रहा है, और ये मेरा SFT माइनस पे मिल रहा है, समझ रहे हो। और ये सेंटर का एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है ना, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत मस्त चीज़ बताने वाला हूँ, तो वो बेंडिंग मोमेंट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया है, दिस इज़ माई SFD, ये कंप्लीट हो गया है मेरा, ठीक है। ये लाइन को मैंने थोड़ा नीचे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो समझ गए किस तरह से शियर फोर्स डायग्राम बनाया जाता है जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट की मदद से, ठीक
ठीक है, आमने सामने होता तो और अभी मज़ा आता आपको, थोड़ा ऊपर नीचे करने में शायद कन्फ्यूज़न हो सकता है अभी भी, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा। आपको क्या करना है, जैसे आप अपना हाथ रख दिए, जैसे जैसे दिखता जाता है, लेफ्ट पे कुछ नहीं दिखा तो कुछ मत करो, जैसे राइट पे जाते हैं कुछ दिखता है तो आपको अपवर्ड जाए तो प्लस करना, डाउनवर्ड जाए तो माइनस करना, ठीक है। हाँ, UDL आए तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्लस माइनस करना, ठीक है, एकदम अचानक से सीधा सीधा नहीं करना। तो चलो अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट पे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे चले जाते हैं हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, इसी के बाजू में कर लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जगह। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, चलो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मोमेंट में आपको एक मस्त पहले चीज़ बताऊंगा, तो वो तो आपको पहले ही कर लेनी है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जो एंड पॉइंट होते हैं ना, वो तो उसमें तो बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होता है। कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, देखो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट है डी और ये पी, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हमें खुद बनाना पड़ेगा जिसको मैं बोल रहा हूँ ई, ठीक है, और इसका डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये इसको मैं एक्स डिस्टेंस बोल रहा हूँ और ये निकालना पड़ेगा। ये क्यों निकालना पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा अभी बाद में, ठीक है, क्यों निकालना पड़ेगा और कैसे निकालोगे। तो देखिए ये सिमेट्रिक है ना, ये पूरा सिमेट्रिक है सेंटर से, यानी यहाँ पे भी जितना लोड है उतना ही वहाँ पे लोड है, और प्लस UDL भी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक डिस्टेंस में ये जो एक्स है ना डायरेक्टली मिल जाएगा, यानी सिक्स का ये सिक्स है तो ये सेंटर में पड़ेगा ये ई पॉइंट, यानी एक्स कितना मिल जाएगा हमारा 3 मीटर का मिल जाएगा, सिमेट्रिक होता है तभी। हाँ, बाकी आपको गिनना पड़ेगा, ये पूरा गिनना पड़ता है एक्स कैसे फाइंड करना है, अगर ऐसा कोई सम आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलो इतना काम हो गया है अभी बेंडिंग मोमेंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट में आपको क्या बताने वाला था कि बेंडिंग मोमेंट जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना वहाँ ज़ीरो होते हैं, यानी बेंडिंग मोमेंट एट ए ज़ीरो और बेंडिंग मोमेंट एट बी ज़ीरो, यानी आपका काम तो आधा तो यहीं हो गया। अच्छा, एक ई पॉइंट को उतारना पड़ेगा आपको, एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो ई पॉइंट है। क्यों लिया है, क्योंकि वही तो राज है ना, वो मैं अभी आपको बताऊँगा आपसे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ई पॉइंट एक्स्ट्रा कहाँ से आया, क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे तो मेन चीज़ होने वाली है। चलो तो इतने 5 पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालना है, कितने 5 पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालना है, जहाँ पे ए पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट तो जीरो हो गया और बी पॉइंट का भी बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया, 5 में से 2 कम हो गए, ठीक है। बोले चलो सर 5 में से 2 का तो कम हो गया, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, सॉरी येलो पेन यूज़ करो, ये चलो ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं। मोमेंट एट ए ज़ीरो हो गया और दूसरा मोमेंट एट बी बी ज़ीरो हो गया, काम आसान। अब 3 के बाकी, चलो ये ज़ीरो में मैं यहाँ पे सर्कल मार ही दिया है, ठीक है, छोटा छोटा सर्कल कर ही दिया है, तो ज़ीरो क्योंकि वहाँ पे पॉइंट आएगा, बस ख़त्म। अभी सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, किस तरह से बेंडिंग मोमेंट निकाला जाता है सर। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि अगर मैं सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ तो बहुत ध्यान से आप देखिए सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है, मैं येलो कलर यूज़ करूँगा। सी पॉइंट, अगर आपको सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है तो आपको सी पे हाथ रख देना अपना, और वहाँ से जो जब जहाँ जहाँ 2 तरफ देख सकते हो, या तो लेफ्ट तरफ देखो या राइट तरफ देखो बीम के, या तो लेफ्ट तरफ देखो, देखो ये पॉइंट आपने लिया है, एक मिनट में पेन बदल देता हूँ पहले, ये आपने सी पॉइंट लिया है ना, आपको सी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आपको क्या करना है, या तो सी पॉइंट के लेफ्ट वाले कैलकुलेशंस करने हैं या तो राइट वाले कैलकुलेशन करने हैं। अगर आप लेफ्ट पे कैलकुलेशन करते हो और आंसर लाते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, जैसे आप राइट राइट से सारे लोड का आंसर करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। बट आपको यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना है कि आपको थोड़ा नज़र घुमाओ कि सी के लेफ्ट पे और सी के राइट पे कितने फोर्सेस है। आपको क्या करना है, जहाँ कम फोर्सेस है वो वाला साइड चूज़ करना है जिससे आपके कैलकुलेशन कम हो। अभी देखो ये सी के लेफ्ट पे आप देखोगे ना तो एक ही फोर्स नज़र आ रहा है, आर ए वाला, और सी के राइट पे आप देखोगे ना, देखो 40 को तो नहीं गिनोगा क्योंकि वो सी के ऊपर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो उसके ऊपर हो तो वो गिनना नहीं, पर इसके सी के राइट पे देखो तो भाई ये 120 दिखाई दे रहा है, ये UDL वाला, ये UDL जो कन्वर्ट करके रखा है 120 वाला ये एक, फिर ये 40 वाला दूसरा और ये 100 वाला तीसरा, तो तीन तीन फोर्सेस है भाई, तो तीन तीन फोर्सेस कौन कैलकुलेट करेगा, वहाँ ये
लेफ्ट एक ही फोर्स, एक फोर्स से अपना आंसर आ रहा है और वहाँ तीन फोर्स से भी सेम ही आंसर आ रहा है, तो आप क्या करोगे? एक फोर्स से आंसर निकालोगे ना, तो बस आपको आपका काम वही है। तो मैं सी से लेफ्ट वाला कैलकुलेशन चूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कौन सा फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालूंगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट सी किस तरह से निकालना है, तो भाई मोमेंट जैसे निकालते वैसे ही निकालना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है, सैगिंग और हॉगिंग, बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त सैगिंग, देखो इसको सैगिंग बोलते हैं, खड्डा पड़ा तो सैगिंग, ठीक है। तो सैगिंग आए तो आपको प्लस लेना है, और अगर ऐसा टेकरे जैसा बने, ऊपर टेकरा बन रहा है, देखो ये ऊपर से देखो तो खड्डा बन रहा है तो सैगिंग बोलेंगे, और ऊपर से देखो और इस तरह से कुछ पार्ट दिख रहा है तो उसको हॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। सैगिंग एंड हॉगिंग, तो हॉगिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, याद रखोगे ना, ये याद रखने का एक तरीका है, ठीक है, सैगिंग और हॉगिंग। तो बेंडिंग मोमेंट में सैगिंग हॉगिंग से काम करना है, और शियर फोर्स में अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, और लेफ्ट साइड से जाना है तब, है ना, लेफ्ट साइड से जाओगे तब ऐसा करना है, जैसे मेरी मेथड। अब राइट साइड से गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है, राइट साइड से उल्टा हो जाता है, राइट साइड से जाओगे तो अपवर्ड नेगेटिव हो जाता है, डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाता है, अपवर्ड नेगेटिव हो जाता है यानी अपवर्ड वाले फोर्सेस को नीचे बनाना है, डाउनवर्ड वाले फोर्स को ऊपर बनाना है। तो राइट साइड से लेफ्ट पर मत आना, लेफ्ट से राइट पर जाना जैसे मैंने बताया है, ठीक है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप इसको मजाक में मत लेना, थोड़ा सीरियसली लेना इस चीज़ को। चलो अभी मैं आपको क्या सिखाने वाला था, हाँ सी पे, अभी आप थोड़ा नज़र डालिए सी पे, कुछ अच्छी सी पेन ले लेते हैं पहले, तो अब सी पे जरा थोड़ा ध्यान से देखिए ये सी पॉइंट। अब सी पॉइंट से मैंने क्या चूज़ किया, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट पे कौन सा फोर्स है, ये। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर धक्का मार रहा है ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये बीम को ऊपर की तरफ, सी को आपको पकड़ लेना है, सी को पकड़ लीजिए, और सी को जैसे ऊपर की तरफ धक्का मारते हो तो ये बीम कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ हो जाए ना, अगर मतलब कोई फॉर एग्जांपल ये सी से पकड़ा हुआ है और इसको मैं ऊपर धक्का मारूंगा तो ये ऐसे बेंड होगा ना, ऊपर की तरफ बेंड होगा, और ऊपर क्या पड़ रहा है, खड्डा पड़ रहा है, देखो ऊपर क्या बन रहा है, खड्डा पड़ रहा है, खड्डा पड़ रहा है मतलब सैगिंग, खड्डा पड़ रहा है मतलब सैगिंग, बताया था ना अभी, सैगिंग पड़ रहा है, खड्डा पड़ रहा है। अब सैगिंग पड़े तो पॉजिटिव लेना है, देखो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सैगिंग हुआ तो प्लस, तो ये काम खाली प्लस मिला, इससे खाली प्लस मिला है मुझे, है ना। तो चलो मैं प्लस लिख दूँ, पहले प्लस लिख देता हूँ, ये सब निकाल दो ना, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, कहाँ गया मेरा, ये प्लस लिख दिया। अब प्लस क्या करना है, बस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करिए, तो फोर्स क्या है, ये वाला फोर्स है ना, 100 वाला फोर्स है इंटू परपेंड, इन दोनों के सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो 100 इंटू टू है इजी, 100 इंटू टू, तो ये हमारा आंसर आ गया 200। अब देखो यूनिट क्या होगा, देखिए लोड है ये 100 क्या है, किलो न्यूटन है, 2 क्या है, मीटर है, तो हमारा यूनिट क्या बना, किलो न्यूटन मीटर ना, किलो न्यूटन मीटर, तो यहाँ यूनिट लिख दीजिए किलो न्यूटन मीटर। चलो सी का हो गया, अब एक और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं डायरेक्टली, देखो सी का निकाल लिया ना, अब आप क्या करिए, इसी तरह डी पॉइंट का निकाल लीजिए, डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, अच्छा ये ई पॉइंट भी एक्स्ट्रा है ना, ये ई पॉइंट आपको ऊपर उतारना पड़ेगा, नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, दिस पॉइंट इज ई, यहाँ पे भी आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बट वो लास्ट में निकालेगा, पहले डी पॉइंट का निकाल लेते हैं। चलो डी पॉइंट, अभी देखो डी पॉइंट ये है ना, अच्छा ऑरेंज लिया था ना, डी पॉइंट देखिए, अब डी पॉइंट के आप कौन सा चूज करोगे, लेफ्ट चूज करोगे कि राइट चूज करोगे, तो लेफ्ट पे आप देखो ध्यान से, तो कितने सारे फोर्सेस है, देखो 120, 40 और 100, तो ऑब्वियसली यार मैं लेफ्ट तो नहीं चूज करूँगा, राइट चूज करेंगे, राइट पे खाली एक ही फोर्स है, तो राइट वाला चूज करते हैं। चलो राइट वाला चूज कर दिया हमने, तो मैंने तय कर लिया कि मैं राइट से देखूँगा। अब डी से आप देखोगे ना, ये डी से देखो तो ये आरबी को देखते, आरबी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यानी ये डी पॉइंट को पकड़ा हुआ है हमने, तो ये बीम कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे बेंड होगा ऐसा। अब मैंने डी से पकड़ा है और बी पे ऐसे धक्का मारो, और धक्का मारने से क्या होगा, खड्डा पड़ रहा है, देखो ये खड्डा पड़ रहा है, खड्डा पड़ रहा है यानी सैगिंग, वापस सैगिंग ना, तो वापस यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये कौन सा पार्ट कर रहे हैं अपने, एम डी पार्ट पे, ठीक है, तो सैगिंग का प्लस कर देते हैं, डी है ना, एक मिनट देख लो, हाँ डी पॉइंट है, तो प्लस कर दिया मैंने सैगिंग का प्लस,
अब चलो डी पॉइंट को वापस हाथ रख दीजिए और 100 किलो न्यूटन, देखिए फोर्स कितना है तो 100 किलो न्यूटन, और 100 से वो डी तक का डिस्टेंस कितना है भाई, तो 2 मीटर ना, तो 100 इंटू टू, 100 इंटू टू आ जाएगा और प्लस में आएगा, प्लस क्यों, क्योंकि सैगिंग है, तो प्लस तो मैंने पहले लिख दिया है, तो 100 इंटू टू, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 200 किलो न्यूटन मीटर। अब एक लास्ट मोमेंट निकालनी बाकी है जो है हमारा एम ई। चलो बहुत ध्यान से देखना, एम ई की मोमेंट निकालना वो सबसे मेन काम है अभी। क्यों मेन काम है, क्योंकि अब ई पॉइंट जब देखते हो ना, तो लेफ्ट साइड देखो या राइट साइड, दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस है। लेफ्ट साइड पे देखो तो ये 100 पड़ रहा है, 40 पड़ रहा है, प्लस ये यू डी एल पड़ रहा है इतना, लेफ्ट साइड वाला यू डी एल खाली, प्लस राइट साइड पे देखते हो तो 100 पड़ रहा है, 40 पड़ रहा है, और ये राइट वाला यू डी एल पड़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो कौन से भी पार्ट से लो चलेगा, इसमें कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, लेफ्ट से लो या राइट से लो दोनों चलेगा। तो चलो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एम ई लिख देता हूँ, पहले तो मैं लिख देता हूँ एम ई, एम ई इक्वल टू, चल लिखा हुआ है, तो एम ई इज इक्वल टू, ध्यान से चलो, सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, एकदम लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा, ये 100 से स्टार्ट करूँगा, 100, ठीक है। अब 100 आप देखो पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, और अभी अभी आपको कहाँ पे पॉइंट रखना है, आपको हाथ रखना है ई पे, हाथ रख देना, जैसे कि ये है, ये ई पे ई पॉइंट है ये, ठीक है, और आ रहे ऐसे नीचे से लग रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लगने से क्या होता है, ये बीम ऊपर की तरफ ऐसा बैंड होगा कि नहीं, तो बैंड ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर खट्टा बनेगा, खट्टा बनेगा यानी प्लस आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ पता कर ली कि प्लस आएगा, और ये 100 और इसके बीच का डिस्टेंस देखो आप, मुझे ये डिस्टेंस बताइए आप, 100 और ई पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो आप देखो ये यहाँ तक का है 2, ये देखो आप यहाँ पे, और यहाँ तक का कितना है 6 का आधा 3 ना, तो 2 + 3 हो गया डिस्टेंस 5, तो मैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करूँगा, यानी फोर्स कितना है 100, डिस्टेंस कितना 5, तो 100 इंटू 5 करूँगा, प्लस करूँगा माइनस करूँगा तो प्लस करूँगा, क्यों प्लस करूँगा, क्योंकि सैगिंग हो रहा है, तो 100 इंटू 5, यहाँ पे क्या करना है हमें, 100 इंटू 5, चलो समझ गए कि नहीं समझे, 100 इंटू 5 प्लस में, देखो ध्यान से है ना, अभी अभी बाकी है, 100 इंटू 5 प्लस में, ये एक एक हो गया, एक फोर्स हो गया, अभी दूसरा आ जाते हैं, अभी ये काम हो गया ना, फिर ए से आ जाते हैं सी पे, अब सी पे देखो एक और, यहाँ ई ई पे हाथ रखना है और 40 को देखना है, अब 40 कहाँ, नीचे की तरफ जा रहा है, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, अब नीचे की तरफ जाने से बीम बीम कैसे शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा ना, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर क्या दिख रहा है, खड्डा दिख रहा है कि आपको ऊपर ऐसा उपसा हुआ दिख रहा है, तो ऊपर खड्डा नहीं है, ऊपर जैसे टेकरे जैसा है, तो उसका मतलब ये क्या आ रहा है, हॉगिंग हो रहा है, तो हॉगिंग हो रहा है तो क्या लोगे, माइनस लोगे, माइनस लोगे ना, तो माइनस लेना है, ठीक है, माइनस क्या लेना है, ये 40 लेना है, ये 40, और इनके बीच का डिस्टेंस लेना है, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3, तो 40 इंटू 3, बट कैसा माइनस, क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि हॉगिंग हो रहा है, 40 इंटू 3 माइनस लेना, ठीक है, माइनस 40 इंटू 3, चलो ये काम। अब सबसे मेन काम, सबसे मेन काम, अभी फोर्सेस ख़त्म नहीं हुए, अभी देखिए आर ए हो गया, 40 हो गया, अब लेफ्ट साइड पे ई पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपको कितना यू डी एल दिख रहा है, इतना यू डी एल दिख रहा है कि नहीं, इतना हाफ वाला यू डी एल, तो वो यू डी एल आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है, तो यू डी एल ऐसे नहीं गिनेंगे, यू डी एल को पॉइंट लोड बना लेंगे, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। चलो ई पॉइंट पे सबसे पहले हाथ रख दीजिए, और ये जो यू डी एल है ना, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट, तो कैसे पॉइंट लोड, खाली लेफ्ट साइड वाला ही गिनना है, अभी राइट वाला भूल ही जाइए आप, ये वाला हिस्सा भूल ही जाइए, राइट वाला, लेफ्ट वाला सिर्फ, तो लेफ्ट वाले में आप देखिए यू डी एल तो 20 ही लगेगा, बट 20 डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट पे कितना डिस्टेंस है, खाली 3 है ना, तो 20 इंटू 3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 60, तो ये यू डी एल को पॉइंट लोड बनाना है, तो कैसे बनेगा, ये पॉइंट लोड यहाँ बनेगा इसके सेंटर में, ये 3 मीटर के सेंटर में बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 3 मीटर के सेंटर में कितना यू डी एल बनेगा, 20 × 3 यानी 60 का बनेगा, ठीक है, और 60 का यू डी एल क्या कर रहा है, 60 का यू डी एल इसको नीचे की तरफ ले जाए, यानी बीम ऐसे नीचे झुक रहा है, नीचे झुक रहा है यानी ऊपर टेकरा बन रहा है, यानी नेगेटिव आएगा माइनस आएगा, एक चीज़ ध्यान रखना, पहला काम याद रखना दिमाग में कि माइनस होगा,
और फोर्स कितना कर दिया मैंने, 60 का कर दिया। 60 का क्यों किया समझ आया ना, 20 इंटू सिर्फ 3 मीटर किया। क्यों 3 मीटर, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड पे खाली 3 मीटर ही डिस्टेंस है ना, पूरा लेना था तो उस टाइम पे हमने 20 इंटू 6 किया था तो 120 बना लिया था, क्योंकि उस टाइम पे हम पूरा कंसिडर कर रहे थे। अभी तो मुझे खाली लेफ्ट वाला कंसिडर करना है, तो 20 इंटू खाली लेफ्ट वाला हिस्सा 3 मीटर का है तो 20 इंटू 360 बन गया। तो लोड 60 है और 60 और ई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 3 का हाफ दिख रहा है ना, क्योंकि वो भी एकदम मिड पॉइंट में मिडल पे लगेगा, तो 3 के आधे पे लग रहा है। तो 3 का आधा यानी अगर डिस्टेंस देखोगे तो 1.5 वाला डिस्टेंस आएगा ना, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 लोड है और वहाँ से ई तक का डिस्टेंस कितना है 1.5। क्यों, क्योंकि 3 के हाफ पे लग रहा है ना वो, इसीलिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। एक और बार मैं समझाने की कोशिश करूँगा, मुझे लग रहा आधे लोग तो समझ ही गए होंगे बट कुछ कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रही होगी। देखो मैं सबसे पहले ई के लेफ्ट साइड ही देखने वाला हूँ। ई के लेफ्ट साइड पे ये हमारा है यूडीएल, तो यूडीएल कहाँ लगे, कितने लग रहा है, तो 3 मीटर पे लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड हिस्सा देख रहे हैं हम, ये राइट वाला नहीं देख रहे, ये कुछ भी नहीं देख रहे हम लोग। तो 3 मीटर पे आप देखोगे तो यूडीएल खाली 20 जो लग रहा है वो 3 मीटर पे लग रहा है, तो उसको मैं पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करूँगा तो 20 इंटू 3 हो जाएगा 60, तो यानी लोड मिल गया 60। अब ये 60 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी बीम बैंड हो रहा है ऐसा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बैंड होने से वो हॉगिंग हो रहा है, हॉगिंग होने से मेरा आंसर माइनस में आएगा। बट माइनस में मैं क्या लिखूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है 60 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना है यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस, ये यहाँ से देखिए यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है, तो 3 का आधा ना, तो 1.5 हुआ कि नहीं, तो यहाँ मेरा 1.5 आएगा ना, तो मेरा यहाँ ओवरऑल आंसर क्या है, माइनस 60 इंटू 1.5। अब समझ गए होगे मेरे ख्याल से, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना, और अभी भी अगर डाउट है तो फिर आप मेरे शब्दों को सुन नहीं रहे ध्यान से, अगर आप सुन रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा। तो माइनस में क्या करूँगा यहाँ पे, देखिए माइनस 60 कैसे आया, आप देखो 60 कैसे आया, 20 इंटू 3 करने से 60 आया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1.5। 1.5 क्यों, क्योंकि 3 का आधा किया मैंने, ये आ गया, ये मेरा आया एम ई, ठीक है एम ई आया। तो चलो 100, ये पूरा आपको एक साथ कैलकुलेट करना है, 500 माइनस 40 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 3 इंटू 1.5, ठीक है, सो 290। तो ये आंसर मेरा कितना आया, 290, और यूनिट तो आपको पता ही है किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो चलो ये अब हमारा हो चुका ना, दिस इज़ 200 किलो न्यूटन। तो चलो सी पॉइंट का, ये सी पॉइंट का कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, अभी बैंड ये बना ना सी पॉइंट पे, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये वाला 200 मान लेता हूँ, ये कितना है 200, ये जीरो है, ये दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ 200। डी पॉइंट का भी 200 ही आया ना सामने, तो ये बन गया 200। अभी ई पॉइंट पे कितना आया, ई पॉइंट पे 290 आया, तो 290 ये 200 के ऊपर आएगा, यहाँ समथिंग यहाँ बना लेता हूँ, दिस इज़ 290। तो ये देखिए आप लोग, अभी आपको क्या काम करना है ध्यान से देखिए, कि अगर बीच में लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, यानी आप इसको क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे। ए से सी के बीच में कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा मैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन, और स्केल से मतलब स्केल से ज्वाइन करना। अब यहाँ से 200 से 290 कैसा है, यूडीएल है, तो यूडीएल है तो आपको क्या करना है, कर्व बनाना है, हाथ से कर्व से ज्वाइन करना है, वो स्ट्रेट लाइन से बनाना है स्केल से, और वो कर्व हाथ से बनाना है, ध्यान रखना ये, और क्योंकि यू डी एल है तो कर्व से बनाना है। और ये देखिए यहाँ पे भी यू डी एल है, तो ये भी आपको कर्व से बनाना पड़ेगा, ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा, देखो कैसे स्मूथ जा रहा है। और ये वाला कैसे बनाना है, स्केल से बनाना है, देखो अगर ऐसा नहीं आपको समझ आ रहा है सो मैं यहाँ पे स्केल से बना देता हूँ, ठीक है, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा करना है, ये स्केल से बनाना है, ठीक है। और ये वाला भी आपको कैसे बनाना है, स्केल से बनाना है, दिस पार्ट ये भी स्केल से बनाना है, ये बनाना है स्केल से, दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको वापस यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, देखिए ये स्केल से बनाना, प्लीज़ मेक इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, ओके, विद द हेल्प ऑफ रूलर, ये स्केल से बनाना है। और ये जो लाइन है ना, ये और ये वाला फ्री हैंड बनाना है, फ्री हैंड बनाना है, ये सब लिखना नहीं है, ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये लिखना आपको नहीं है, समझ रहे हो।
अब कहाँ स्केल से बनाना, कहाँ फ्री हैंड बनाना, तो देखो ना, जहाँ यूडीएल है वो आपको फ्री हैंड बनाना है, और जहाँ कुछ है नहीं वहाँ आपको स्केल से स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है? तो दिस इज़ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमें मिल रहा है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी ना कि ये जो ई पॉइंट का एक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब, ध्यान से सुनना वापस एक चीज़, कि जब शियर फोर्स डायग्राम अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, वापस बोलूँगा कि शियर फोर्स डायग्राम अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, या तो नेगेटिव के पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी वो जो पॉइंट है जहाँ मतलब अपना रास्ता बदल रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से, वो वाला जो पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। ये वाले पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ई पॉइंट। तो ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट देखो कितनी है, 290, जो सबसे मैक्सिमम। देखो ए पे कितनी है, 0, सी पे कितनी है, 200, डी पे कितनी है, 200, बी पे कितनी है, 0, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ई पे है ही ना, तो इसीलिए वो पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे वाइवा में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, या ऐसे नॉर्मली भी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, तो भाई बेंडिंग मोमेंट वहाँ मैक्सिमम होती है जहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम अपनी साइन चेंज करता है, या तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वहाँ वो उस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट, ये रहा दिस पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला पॉइंट है, यानी ई पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है? तो चलो, आई होप कि मैंने जितने कोशिश हो सकती थी उतनी समझाने की आपको कोशिश की, कि किस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाया जाता है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको फिर कोई डाउट तो रहा नहीं होगा, ठीक है? इतना तो मैं श्योर हूँ, ठीक है? बट हाँ, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो आई होप कि आपको ये सम समझ आ गया होगा, अगर एग्जाम में पूछते इस तरह से कोई सम, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है? विथ प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है? और फिर लास्ट में अब एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल है आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत काम हेल्पफुल रहेगी, काम आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।